नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बीते दिनों हमारे चैनल ने एक न्यूज कवर की थी जिसमें मुखानी चौराहे पर एक ऑटो चालक के साथ मेडिकल स्टोर स्वामी की ओर से हाथापाई की गई थी, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने मुखानी चौकी में जाकर मेडिकल स्वामी के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी। तो क्या था पूरा मामला, आप भी देखिए। उनका काम है वहाँ पे कोई ना गाड़ी घुमाए ना वहाँ से कोई गुजरे, काले की चाबी खा लेते हैं, कई बार मारपीट कर चुके हैं। अंदर वो करें, उनको बुला रखा, भेज रखा, अगर आते हैं ठीक है, नहीं आते तो हम फांसी लगा लेंगे। वो मेडिकल वाला ही हाथ उठाता है, मेडिकल का जो ओनर है वही हाथ उठाता है। तो क्या हुआ था? मुझे सवारी ने हाथ दिया, मैंने सवारी को रोका और उसने आगे से जप्पा कर दिया, और उसके बाद मैं जाने लगा तो उसने हाथापाई करी, बहुत मारा उसने, इतना मारा कि मेरे यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ हाथ में भी दर्द हो रहा है। मैं करूँ क्या इससे अच्छा पूरा यहाँ? आज पहली बार हुआ ऐसा या फिर अक्सर ये सब हो चुका है? इसके ऊपर कोई वो करने वाला नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, इसलिए हम सब इकट्ठा आ जाए। हमारे साथ गरीब आदमी हैं, 10-10 रुपए करके हम कमाते हैं, तो क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, बताइए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें इंसाफ चाहिए, हमें उसको अंदर करवाना है, उसको अंदर जेल जेल सीधे जेल करवाना है। मुखानी थाना में आए हैं, यहाँ पर आपने शिकायत जो है दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज कराई है। हाँ जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ कहना जी? हाँ जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा जब ये कहता है कि मेरा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई क्या वर्ड है? जब पुलिस वाले यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरा यहाँ थाने में वाले क्या कर लेंगे? तो आपने अभी देखा ऑटो चालक का बयान, और अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में मेडिकल स्वामी ने न्यूज 31 को क्या बयान दिया है। गाली गलौज करते रहते हैं आपस में, आती जाती लड़कियों को भी छेड़ते रहते हैं। हाथापाई कोई नहीं हुई थी, ये झूठा आरोप है ई रिक्शा चालक का। ई रिक्शा वालों को छोड़ दिया गया है, ई रिक्शा देके गुंडागर्दी करो, कहीं से मोड़ दो, कहीं चढ़ा दो, किसी को गाली दे दो, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। सर, आखिर उस दिन हुआ क्या था? उस दिन मैडम मैं तो यहाँ पे था नहीं जी। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले ई रिक्शा वाले जनरली यहाँ दुकान के सामने लगा के रखते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं आपस में, आती जाती लड़कियों को भी छेड़ते रहते हैं। हमारे स्टाफ की जो लड़कियां हैं वो भी काउंटर पे बैठ नहीं पाती, या तो उनको घूरते हैं या उनकी तरफ देख के गंदे इशारे करते हैं या उनको उल्टा सीधा बोल के फत्तियां कस के चले जाते हैं। तो उनको जब निकलने के लिए बोलते हैं यहाँ से आगे हटा लो भाई, हमारे भी कस्टमर आते हैं, हम भी 30,000 रुपये दुकानों का किराया दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारा कस्टमर भी स्कूटर मोटरसाइकिल कभी लगा ले यहाँ, दवाई ले ले आराम से, इमरजेंसी में आता आदमी। तो यूं ही बात हुई होगी, आगे बढ़ा ले को रिक्शे वाले ने बोला होगा ये रिक्शे वाले ने कि तुम्हारे क्या बाप की रोड है, इस टाइप से लेकर छोटी मोटी कोई कहा सुनी हुई होगी, इतना तो मेरे संज्ञान में है कि कहा सुनी। सर, बात हाथापाई तक कैसे पहुंची? नहीं नहीं, हाथापाई कोई नहीं हुई थी, ये झूठा आरोप है ई रिक्शा चालक का। लेकिन सर, उनकी जो चोटें थी वो तो हमें खुद नजर आई थी और दिखाई भी थी हमने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑटो चालकों की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस वजह से आप काफ़ी तानाशाही भी दिखाते हैं, कई बार आपने ऑटो चालकों के साथ और भी मारपीट की है। नहीं 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 नहीं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, ना मेरे को कहीं आज तक किसी रैली में देखा होगा, ना किसी उसमें देखा होगा, मेरा कोई किसी पार्टी से नहीं है। मैं रेड क्रॉस से ताल्लुक रखता हूँ, समाज सेवा करते हैं हम, ब्लड डोनेट करते हैं। वहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट की गई थी आपके खिलाफ, तो क्या पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आपके पास फोन आया था पुलिस चौकी से? पुलिस ने जांच की और उनकी सारी गलती उनकी निकली, पुलिस ने यहाँ पता किया, आसपास भी पता किया, सारी गलती रिक्शा चालकों की थी। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ऑटो वाले ने आपके साथ वाकई कोई मतलब बदतमीजी की थी? बदतमीजी करने वाली बात नहीं है, जब यहाँ पे लोग लगाते हैं आपस में ही बात करते हैं और गंदी गंदी लैंग्वेज होती है, हम वहीं पे काउंटर पे बैठे होते हैं, कस्टमर होते हैं और लगता है ना ऑकवर्ड लगता है जो यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, और उसके ऊपर से जाते हैं तो फिर घूर घूर के देखते हैं, हमें यहाँ पे बैठने में बड़ा डर लगता है। तो सुना आपने दोनों पक्षों को, फिलहाल पुलिस अभी मामले की जाँच कर रही है और अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर गलती किस पक्ष की है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।